Ms. rahim dear students, assalamu Alaikum, and welcome back to lecture number five. In my previous lecture, we discussed about generally the globalization because international bin business is directly connected with this terminology. So we had a detailed discussion about globalization. What is basically a globalization, and we already know about it when we have a boundaryless world, Any country that is making a free trade, import and export without any restriction. That becomes a part of globalization, a is without boundaries. And we had two basic components of globalization. One is a globalization of market and other is globalization of production. And we discussed in detail about it, ki aapke paas globalization of market kya when we have an excess of market without any restriction if we want to purchase any product in from any country there is no restriction at all if we want to export anything in the other country without any restriction we can do it and then globalization of production we have seen basically this is linked with the थे ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज, वैन वी है उनका बेनिफिट लेते हैं और अपनी कॉस्ट और बेनिफिट का रिलेशनशिप चेक करके फिर वहां पर अपनी प्रोडक्शन कर रहे होते हैं और उसकी हमने बड़े डिटेल में एग्जांपल देखी थी कि आपके पास बोइंग ट्रिपल सेवन कहाँ पे उनकी प्रोडक्शन हो रही है फिर आपने आईबीएम की एग्जांपल ली कि आईबीएम में आपके पास जो चिप्स बनती हैं, माइक्रो चिप्स माइक्रो प्रोसेसर होते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड इन द यूएस डिस्प्लेस किसी और कंट्रीज में बनते हैं जो उनकी स्क्रीन होती हैं हार्ड डिस्क किसी और कंट्री में बनती है जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं और बाकी कर, बाकी कंपोनेंट्स किसी और कंट्री में बन रहे होते हैं वी हैड डिटेल डिस्कशन अबाउट इट और इसके हमने ये भी एग्जांपल दी थी कि चाइना में आपके पास कितनी कंपनीज प्रोडक्शन uh, कर रही हैं और हमने यह भी देखा था कि जब आपकी ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट होती है तो उसकी पीछे रीजन क्या होती है देन वी डिस्कस्ड अबाउट व्हेन वी हैव अ ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट ग्लोबलाइजेशन ऑफ योर प्रोडक्शन देर शुड बी सम रेगुलेटरी एंटिटीज रेगुलेटरी कंपनीज रेगुलेटरी एजेंसीज वट वी कैन कॉल इट अदरवाइज आप मार्केट प्लेस या मार्केट जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट ही नहीं कर पा सकते कंट्रोल ही नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो जायंट्स होंगे उन मार्केट्स के वो उसका बेनिफिट ले लेंगे और जो आपके पास जो माइनर minor, माइनॉरिटी में कंपनीज होंगी वो तो खत्म हो जाएंगी उनकी तो एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी सो दैट इज वाई देर शुड बी सम रेगुलेटरी बॉडीज हु कंट्रोल द ओवरऑल globalization of production and globalization of marketplace and then we have seen uh, there are different uh, uh, organizations bodies who are regulating all these uh, marketplaces or production and then we have seen uh, in detail about international monetary fund and i told you that you, uh, you also uh, search in the google what is special drawing rights and imf and then what are the standby arrangements or may pakistan go for a special link that in 2008 how pakistan has contacted with the imf and what imf has given us to pakistan and then what imf uh, expecting uh, from pakistan to improve the stability of financial uh, position of the uh, financial position हमने इन सारी चीजों को अब डिस्कस uh, uh, कर चुके हैं हमारा क्योंकि लेक्चर नंबर फोर फाइव जो है वो फोर से कनेक्टेड है क्योंकि आपके पास uh, कुछ और भी इंस्टीट्यूशन हैं जिसको हमने ब्रीफली देखना है सो दैट इज वाई आई एम जस्ट मेकिंग कनेक्शन ऑफ लेक्चर नंबर फोर एंड लेक्चर नंबर फाइव इन कंटिन्यूशन ऑफ आई वी हैव यूनाइटेड नेशन दैट वॉज एस्टेब्लिश नाइनटीन 1945 एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू माई प्रीवियस लेक्चर दैट इट वॉज इस्टेब्लिश्ड आफ्टर द वर्ल्ड वार टू क्या उसकी पीछे ऑब्जेक्टिव थे क्या रीजन थी कि जिसकी वजह से कंट्रीज डोज हुआ इन टू दे डिसाइडेड दैट देर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन हु रिहेबिलिटेट हु हेल्प द कंट्रीज इम्प्रूव देयर इंप्रूव देयर एफिशेंसी इंप्रूव देयर डिफ्रेंसिस जो उनके दरम्या डिफरेंसिस शुड रिमूव इट और उनके दरम्यान हारमोनी लेके आए कॉपोरेशन उनके दरम्यान हो सो दैट इज वाई द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ वर्ल्ड टू दे डिसाइड दैट वी शुड ऑल्सो इस्टेब्लिश वन कॉमन बॉडी हु ओवर लुक द मेजर डिफरेंसिस बिटवीन द कंट्रीज एंड ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड दैट इज वाई इन नाइनटीन फोर्टी फाइव यूनाइटेड नेशन वॉज इस्टेब्लिश्ड basic purpose of this united nation was to maintain international peace and security and we also see that uh, when we uh, uh, watch the television we see uh, the secretary of the united nations what they talk about when there is a problem between the countries when there is an internal war external war cold war whatever we use it when there is a problem killings and many more things uh, they give their own statements uh, they try to meet the uh, major stakeholders of the com uh, country, maybe the head, the prime minister, president, or uh, chief of their armies, uh, the, sec uh, the secretary of the united nations, meet him and try to resolve their problems. already plan improve so uh, the first objective is maintain international peace and security. क्योंकि जब इसको एस्टेब्लिश किया गया था तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा इश्यू था दैट वॉज वर्ल्ड वॉर टू जो आपकी पांच साल तक ऑलमोस्ट दुनिया को जंग के अंदर उसने रखा और जिसकी वजह से डिजास्टर कितना हुआ और फिर वी ऑलरेडी नो अबाउट इट के मेजर प्रॉब्लम दैट इन जापान दैट वाज हिरोशिमा नागसा की बम ब्लास्ट america attacked on it and the result was a huge disaster or wahan par uske effects abhi tak so that is why they decided that uh, we should establish an institution which maintain international peace and security between the countries so if there is a problem between the countries they also go in the united nations uh, raise their issues and try to get uh, solve these issues then the second one is develop friendly relations among nations that is a second objective first peace and security and then they should also improve their cooperation friendly relations between the countries so that they could remove their differences किसी को किसी के साथ अगर प्रॉब्लम है तो दे शुड सिट ऑन द टेबल एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट एंड दिस इज ऑलवेज डन थ्रू गिव एंड टेक कोई एक जगह से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता है दो, दूसरी जगह से एंड देन दे ट्राई टू इंप्रूव देयर रिलेशनशिप्स कहीं पे अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है भी तो उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है देन The third one is cooperate in solving international problems, as I already told you, because these are interrelated. And we already know about the Kashmir issue, कि इंडिया ही खुद कश्मीर इश्यू को यूनाइटेड नेशंस के अंदर लेकर गया दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज अ कंट्रोवर्शियल एरिया सो दैट इज वाई अभी तक उसको uh, uh, कश्मीर को कहा जाता है कि ये एक डिस्प्यूटेड आपके टेरिटरी है कि इधर इट शुड बी इंक्लूडेड इन द इंडिया इंक्लूडेड इन पाकिस्तान इंडिया का उसके ऊपर कब्जा है आकोपाइड किया हुआ है उसको बट स्टिल पाकिस्तान कंसिडर्स इट एज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड कोर्स इट इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी इंडिया उसको लेके गया और उसको अभी तक रिजॉल्व नहीं किया जा सका बिकॉज नोबडी इज गोइंग बैक फ्राम द वर्ल्ड इंडिया कहता है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ इंडिया uh, पाकिस्तान कहता है पाकिस्तान की शहरा गया सो दैट इज वाई दे हैव टू रिजोल्व इट वैन देर इज गिव एंड टेक देर शुड बी एन इन बिटवीन सोल्यूशन जब दोनों पार्टी एग्री होंगी तो फिर रिजोल्व किया जा सकता है सो वैन देर इज एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम हेयर यूनाइटेड नेशन टेक इंटरफियरेंस एंड देन ट्राई टू रिजोल्व दैट प्रॉब्लम एंड देन इन प्रोमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इनके मुख्तलिफ नेक्स्ट कुछ uh, डिजन्स uh, हैं कुछ इनके अपने इदारे हैं यूनाइटेड नेशंस के जो आपके मुख्तलिफ uh, जो सेगमेंट्स हैं उनको कवर करते हैं जैसे uh, एक तो uh, आपके पास पॉवर्टी का इशू है फिर चाइल्ड हेल्थ के ऊपर है एक ओवरऑल हेल्थ के ऊपर है अब आप देखें कि uh, आपके पास सोमालिया है इथोपिया है यहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहे हैं तो फिर वो अपने तौर पर इंटरफेयर करते हैं और उनको रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है अब कुछ कंट्रीज हैं जहां पर आपकी कॉन्टीन्यूस वॉर चल रही है तो पीस के लिए फिर मुख्तलिफ कंट्रीज से तो यूनाइटेड नेशन रबा करती है और एक टाइम पीरियड के लिए वहां पर फौज को डिप्लॉय किया जाता है ताकि उनके दरम्यान जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जा सके सो दीज आर द मेजर ऑब्जेक्टिव मेजर गोल्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑल दो दीज आर इंटर रिलेटेड बट they have segregated into four parts. one is international peace and security, then friendly relations among the nations, cooperation in the uh, solving international problems, and then in promoting respect for human rights. world bank. this is although uh, related with the uh, imf, but it has uh, some other areas as well. so international bank,

वर्ल्ड इंटरनेशनल बैंक एंड इट वॉज स्टैब्लिश इनटीन फोर्टी फोरब्लिश हुआ के लिए बैंक लोन प्रोवाइड करता है स्मॉल पोर्शन ऑफ द फाइनेंसिंग नीडेड बाई द डेवलपिंग कंट्रीज अब यहां पर एक डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक आई एम एफ का जो लोन प्रोविजन है दैट इज डिफरेंट वन कि वो आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है आपको वो जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस है उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है उसमें आपके एक्सचेंज रेट की इंप्रूवमेंट भी है आपके ट्रेड इंक्रीज भी है उसमें आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी है वो सारे के सारे कंपनियंट शामिल है लेकिन यहां पर आपको जो वर्ल्ड बैंक है दैट प्रोवाइड्स अ स्मॉल पोर्शन आपको बहुत बड़ी अमाउंट प्रोवाइड नहीं करता इट प्रोवाइड अ स्मॉल पोर्शन बाय द डेवलपिंग कंट्रीज नीडेड बाय द डेवलपिंग कंट्रीज देन इट टू स्प्रेड इट्स फंड्स बाय एंटरिंग इनटू को फाइनेंसिंग एग्रीमेंट दिस इज डिफरेंस फ्रॉम द अदर वन इट प्रोवाइड्स को फाइनेंसिंग एग्रीमेंट सो इट डजेंट हैव एनी सोल प्रोविजन ऑफ फाइनेंसिंग ये को फाइनेंसिंग का काम करता है इट मींस के आपके पास अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उस प्रोजेक्ट को फॉर एग्जाम्पल वन मिलियन डॉलर चाहिए तो एक तो स्मॉल पोर्शन प्रोवाइड करेगा प्लस इसकी को फाइनेंसिंग होगी ये उसको सोली होली नहीं प्रोवाइड करेगा बल्कि ये को फाइनेंस एग्रीमेंट्स में शामिल होता है कि फॉर एग्जाम्पल अब ये टेन वन मिलियन में से फॉर एग्जाम्पल पॉइंट वन मिलियन प्रोवाइड कर रहा है 90,000 थाउजेंड ये सॉरी वन लैख प्रोवाइड कर रहा है ये तो फिर क्या होगा कि जिससे बाकी का लोन लिया जाएगा उनके साथ ही एग्रीमेंट करेगा नाइन लैख या एट लैख या बाकी जितने भी हैं वो अगर साथ लोन प्रोवाइड करें तो फिर उनके साथ ही को फाइनेंसिंग एग्रीमेंट में शामिल होगा इसका काम कोई इस तरह नहीं है कि स्टेबिलिटी करवाए या एक्सचेंज रेट को बेहतर करे ये प्रोजेक्ट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं लोन और फिर स्मॉल पोर्शन होता है उसका और फिर ये को फाइनेंसिंग में शामिल होते हैं इट इस्टेब्लिश द मल्टी लेटर इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मीगा विच इज नॉन एज मीगा विच ऑफर वेरियस फॉर्म्स ऑफ पोलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस अब ये उसका एक और ऑब्जेक्टिव भी है कि ये आपको पोलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करता है इसने अपनी एक अलग से एजेंसी बनाई है मीगा के नाम से मल्टी लेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी तो इसका एक ये फंक्शन भी शामिल है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसके बारे में हमने बहुत ज्यादा सुना है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यू है क्या है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक इट्स प्री गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफ या जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ एंड ट्रेड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसिंग द वर्ल्ड ट्रेडिंग सिस्टम ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ये एक एज एन अम्ब्रेला काम करता है एज ए बॉडी काम करता है ताकि जो आपके दरमियान ट्रेड के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको रिजोल्व किया जाए दरमियान में नई से नई पॉलिसीज प्रोवाइड की जाए उन पॉलिसीज के अंदर इंप्रूवमेंट आए देन इफ देर इज अ चांस टू इंप्रूव दीज पॉलिसीज तो फिर उसके दर, फिर ये आपस में मिलके और एक कॉन्सेंस पे आके नई पॉलिसीज़ प्रोवाइड करते एंड मेकिंग श्योर दैट नेशन स्टेट्स एडहेयर टू द रूल लेड डाउन इन द ट्रेड ट्रीटीज साइंड बाई डब्ल्यू टी ओ इसके अपने मेंबर्स हैं एंड ट इट हैज अपू टू थाउ टेड एंड फिफ्टी में वो एग्रीमेंट साइन किया है तो दे हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द डब्ल्यू टीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अब उन कंट्रीज ने उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है अगर वो फॉलो नहीं करेंगे तो वी ऑलरेडी नो अबाउट इट के उसके साथ क्या इशूज हो सकते हैं अब ये दरम्यान में कोई डिस्प्यूट हैं कंट्रीज के दरमियान ट्रेड के दरमियान तो डब्ल्यू टी ओ एंटर एंटरफेयर एंड ट्राई टू रिजोल्व दीज इश्यूज अब कोई प्रॉब्लम अगर आ गया है तो उन प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है अब हो सकता है ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है थ्रू इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट किसी भी तरह से उनकी कोई हो सकती है तो आपके पास अगर कोई एग्रीमेंट ब्रीच कर रहा है तो दैट कंट्री कैन कॉन्टेक्ट विद द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के दिस कंट्री इज ब्रीचिंग दिस एग्रीमेंट एंड इफ दैट कंट्री इज अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू टी ओ देन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू टी ओ विल इंटरफेयर टू रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम अगर वह ब्रीच कर रहा है तो फिर उसको वापस उस एग्रीमेंट पर फोर्स करके लाया जाएगा सो दिस इज ऑल्सो अ बॉडी च हैज हेल्प द कंट्रीज टू बिकम ग्लोबलाइज अब इन कंट्रीज ने आपस में जाहिर है अब देखे कि जब आपके पास वन फिफ्टी थ्री मेम्बर्स होंगे और उनका कॉन्सेंस होगा कि आपने फ्री ट्रेड करनी है आपके पास कोई बेरियर्स नहीं होने चाहिए तो इट मीन्स दैट दिस इज हेल्पिंग टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल बिकॉज वन कंट्री इज प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट टू दर कंट्रीज तो दरमियान में फिर बैरियर्स खत्म हो रहे हैं लोगों की क्वालिटी लाइफ भी बेहतर हो रही है इन टू थाउजेंड सेवन वन फिफ्टी अकाउंटेड फॉर 97% सेवन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वर व्यूटी अब यहां पे हमें इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो रहा है कि हाउ इंपॉर्टेंट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज के 2007 में इसके 153 नेशंस थ्री नेशनस थी जितना मैंने आपको बताया 2008 में इसके थ्री और मेंबर्स शामिल हो गए थे दैट अकाउंटेड फॉर 97 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इट मींस कि इट इन इट हैज इंक्लूडेड द मेजर पोर्शन ऑलमोस्ट ऑल थ्री परसेंट इज नॉट अ बिग डील तीन परसेंट कोई इतनी बड़ी इतने बड़े नंबर नहीं है लेकिन नाइन्टी जो है वो वर्ल्ड ट्रेड जो हो रही है वो सारे के सारे जो है वो डब्ल्यू के मेंबर्स हैं इसका मतलब यह हुआ कि अब लोग जो कंट्रीज है उनके दरमियान जो इश्यूज होते हैं वो बेहतर समझते हैं कंट्रीज के डब्ल्यूटीओ उसको रिजोल्व कर सकता है सो दैट इज वाइट दे बिकम अ मेंबर और उस मेंबर का आप देख लें कि 97% सेवन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज बींग डन बाई दीज मेंबर कंट्रीज देन डब्ल्यूटीओ प्रमोट्स लोअर बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट The basic objective of World Trade Organization (WTO) is to remove or lower down the barriers. Now, remove if 100% of this is uh, very difficult to say because all the nations have their own values, norms, and they want to protect their own industry. So that is why they will never make a free trade. Just now, Europe Union, ke free trade. Hai. लेकिन यहाँ पर uh, क्योंकि हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में फ्री ट्रेड के लिए कंट्रीज एग्री नहीं करेंगे क्योंकि उनकी अपनी इंडस्ट्री डिस्टर्ब होती है अगर फॉरन डेवलप कंट्री की कोई कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम करेगी तो उन्होंने जाहिर है क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी है जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ की जो अपनी इंडस्ट्री है उसको अच्छा खासा डैमेज होगा सो दैट इज़ वाई दे ट्राई टू लोअर डाउन द बैरियर्स रादर देन रिमूविंग कंप्लीट बैरियर्स बिटवीन द नेशंस Then we have uh, International Financial Corporations. Now these are some unknown type of organizations. So I, I have added it in my slide so that you have uh, a little bit information about it. International Financial Corporations, it was established in 1956. And now you can see that how, when they have emerged, Aapke Paas, IMF, 1945, World Bank, 1944, and this International Financial Corporations, 1956 they are almost 50 more than 50 60 years old organizations so it was established in 1956 to promote private enterprise rather than government without, within countries ab yahan par fark the iska bakiyon promotes private enterprise so it means that world bank provides loans or enters into co-financing with the government, government projects. IMF provides loans to the government, government of the countries. But international financial corporations provides loans to the private sector. Basically, they say that okay, rather than providing loans to the government sector, they might have uh, some corruptions. They might have uh, some other issues. They may not be implementing proper uh, rules and regulations for the productive output of this this kind of financing they say that we should provide loans we should provide funds to the private enterprises rather than government enterprises because they know that private enterprises and funds utilization so this is a basic difference between uh, the international financial corporations and world bank and IMF. Ye wo jo, uh, uh, imf or world bank, hai, they provide loans to the government, government projects, whereas imf provides loans to the uh, private sectors, private enterprises. it typically provides 10 to 15 percent of the necessary funds in private enterprise projects. now, again, none of the bodies or organizations provide 100 percent loans. These only provide those kind of loans, these organizations provide such kind of loans which are most necessary. Now here mentioned that is 10 to 15%. What does it mean? 10 to 15% of the necessary funds. Now they are not 50% or 100%. They are just providing 10 to 15%. विच आर मोस्ट नेसेसरी बाकी आप कहीं और से पूरे कर सकते हैं आप फॉर एग्जाम्पल एन एंटरप्राइज विच इज वर्किंग इन पाकिस्तान दे माई टेक लोन फ्राम द बैंक्स फ्राम इशूइंग स्टॉक टू जनरल पब्लिक बॉन्ड्स जिस तरह इशू किए जाते हैं वो प्लस यहां से इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से इट इट वर्क एज ए कैटलिस्ट राधर देन सोल सपोर्टर फॉर अ प्राइवेट एंटरप्राइज प्रोजेक्ट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट वर्क एज ए कैटलिस्ट ये आपको एक स्पेसिफिक लोन प्रोवाइड करता है लेकिन आपको सोल सपोर्ट नहीं करता बाकी आप डिफरेंट एरिया से करें उसकी कुछ और भी रीजन हो सकती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वो आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता दो इट मीन यू हैव लास्ट होल ऑफ योर मनी दिस इंटरनेशनल फाइनेंशियल कारपोरेशन आई एफ सी विल फेस द ह्यूज लॉस तो यहां पर आपके पास पोर्टफोलियो बन जाता है कि आपने 10% परसेंट किसी और से लिया 10% परसेंट किसी और से इन इनकेस प्रोजेक्ट आपका आ, नहीं कंप्लीट हो सका उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आई सिर्फ और सिर्फ 10% परसेंट या 15% परसेंट लॉस बियर करेगी रादर देन होल यही एक तरीका भी होता है Uh, अपने इंटरप्राइजेज में पोर्टफोलियो बनाने का कि अगर एक काम ना कर सका तो एटलीस्ट आपके पास अदर सोर्सेज uh, तो है ना वो तो आपके लूज नहीं हुए देन इट ऑब्टेंस फंड्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक एंड सम अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स अब ये जाहिर है इसकी कोई मेंबर कंट्रीज भी नहीं है मेंबर बैंक्स भी नहीं है तो ये दरमियान में फिर वर्ल्ड uh, बैंक से लोन लेता है और और हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा है वर्ल्ड बैंक में कि इट प्रोवाइड्स को फाइनेंसिंग तो यहां पर आपस में इनका रिलेशनशिप बनता है कि आई एफ सी गेट्स लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और उसका मतलब यह हुआ कि दे आर एंटरिंग इन टू द को फाइनेंसिंग अब यह एक इंस्टीट्यूशन का काम कर रहा है लेकिन साथ ये फैसिलिटेटर भी है कि इसने लोन लिया कहां से वर्ल्ड बैंक से देन इसने प्राइवेट एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड किया अब वर्ल्ड बैंक वहां पर को फाइनेंसिंग में भी एंटर हो गया देन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA established in 1960. Again, I am uh, bringing your attention that these institutions are established uh, in 60s, 50s, 40s for country development objectives. Its loan policies more appropriate for less prosperous nations. ये इस तरह नहीं है कि हर एक को लोन्स प्रोवाइड कर दें ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं जहां पर वाकई ही लोन्स की जरूरत होती है ये उसको हेल्प करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इट एक्सटेंड लोन एड लेस इंटरेस्ट रेट्स टू पुअर नेशंस ये बेसिक इनका ऑब्जेक्टिव है कि हम पुअर नेशंस को लेस इंटरेस्ट रेट्स पर लोन्स प्रोवाइड करें देन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दिस इज वेरी फेमस बिकॉज दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एज इंस्टीट्यूशन विच मेक्स पॉलिसीज पॉलिसीज फॉर द अदर बैंक्स इट फैसिलिटेट्स कॉपरेशन अमंग कंट्रीज विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अब दरम्यान में ये एक ऐसा फैसिलिटेटर uh, का काम करता है कि आपस में बैंक्स uh, जो है वो कनेक्ट हो सके एक दूसरे के साथ इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग आ फाइनेंशियल क्राइसिस अब ये उन लोगों को उन कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है जिनके साथ कोई फाइनेंशियल क्राइसिस के इश्यूज चल रहे हो इसलिए अब आप किसका अगर टाइटल देखें बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के अगर दरमियान में प्रॉब्लम चल रहा है तो ये फिर सेटलमेंट का काम करता है बी आई एस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इट इज ऑल्सो कार्ड सेंट्रल बैंक आर लैंड्राफ रिजॉर्ट के ये बैंक का अगर कोई इश्यूज चल रहा है कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड तो फिर ये ऐसा लास्ट रिजॉर्ट काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बैंक पाकिस्तान के अंदर उसको बहुत ज्यादा लॉसेज आ रहे हैं और अगर वो बैंक करप्ट होता है तो उसमें फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी उसका इफेक्ट पड़ेगा दैट बैंक गोज इन टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट एजेंसीज या गवर्नमेंट्स के पास जाता है तो नो बडी हेल्प दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन

प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू सेंट्रल बैंक्स ऑफ लैटिन अमेरिका एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज अब यहां पर उन्होंने इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर दिया है कि ये ज्यादातर लोन प्रोवाइड करता है आपके जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं अब देखें कि ये बैंक बेसिकली हेल्प ही डेवलप्ड कंट्रीज को करता है डिवेल्पिंग कंट्रीज को नहीं करता अब आप देखेंगे लेटिन अमेरिकन में कौन कौन से आ सकते हैं आपके आपके पास कैनेडा मौजूद है उसमें यूएस है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आपके जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सारे एक्साइज में शामिल है तो ये उनको बेसिकली प्रोवाइड करता है लेकिन ये पॉलिसीज ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बनाता है आपके पास अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल इन टू थाउजेंड सेवन वी हैड अ वेरी ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस दैट स्टार्टेड फ्रॉम यूएस फ्रॉम द सब प्राइम मार्केट ट्रेवल्ड इन टू यूके एंड देन फ्रॉम यूके टू

इंटरफेयर किया उन्होंने कहा कि आप इन चीजों को बेहतर करें तो आपके पास वो बेसल कार्ड वन आया बेसल कार्ड टू आया और उसके बाद अभी भी उसके ऊपर uh, प्रोग्रेस चल रही है सो दैट दीज काइंड ऑफ ह्यूज फाइनेंशियल क्राइसिस कुड बी अवॉइडेड देन देर आर सम रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं कुछ हैं उसमें मतलब कुछ आपकी यूएस बेस्ड हैं कुछ आपकी यूरोपियन बेस्ड हैं और कुछ आपकी एशियन बेस्ड हैं तो उसमें से कुछ ये हैं जैसे इंटर्न अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ये आपकी अमेरिका की डेवलपिंग uh, एजेंसी है देन एशियन डेवलपमेंट बैंक वी ऑलरेडी नो अबाउट इट एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन कंट्रीज हैं उनको हेल्प आउट करने की कोशिश करता है देन एफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एज वी नो विद द नेम कि ये आपके जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं ये उनको हेल्प करने की कोशिश करते हैं देन यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये यूरोप से रिलेटेड है अब आप देखें कि सारे सारे कॉन्टिनेंट बेस्ड बन गए हुए हैं कि आपके पास अमेरिकन फिर एशियन है फिर अफ्रीकन है फिर यूरोपियन है तो ये अब रीजनल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं जो अपने अपने रीजन्स को प्रोवाइड करती हैं इससे पहले हमने जितना भी डिस्कस किया है दैट वॉज प्योरली रिलेटेड विद द ग्लोब ग्लोबल के दीज हेल्प विद द कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड जैसे हमारे पास आई एम एफ था दैट हेल्प्स ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक हेल्प्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन था आपका आई डी ए तो वो भी आपका नॉर्मली उसी के लिए था फिर आपके पास दूसरी आ, रीजनल फिर बैंकर्स फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है आपका उसमें करता वो जो आप पॉलिसीज हैं वो होती सब ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है लेकिन उसका जो बेसिक uh, ऑब्जेक्टिव है वो आपके अमेरिकन uh, और यूरोपियन uh, कंट्रीज है उन पर फोकस करता है देन वी हैड रीजनल ये आपके स्पेसिफिक रीजन को फोकस कर रही होती है देन हाउ इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट ऑन एम एन सीज वैल्यू ये अब थोड़ा सा सोचने का पॉइंट है कि आपकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे इफेक्ट करती है आपकी मल्टीनेशनल कारपोरेशन की वैल्यू पे नाउ वट इज एम एनसी वैल्यू एम एनसी वैल्यू होती क्या है इज इट रिलेटेड विद एसेट्स और अ होल कॉरपोरेशन आपकी जो एक एमएनसी बनती है इफ इफ आई कुड राइट हेयर फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर कंपनी For example, I say Toyota. Toyota Motors. This is MNC, multinational corporations. Now they have a subsidiary in Pakistan. They have a subsidiary in India. They have a subsidiary. In China, they have a subsidiary. For example, in uh, for example Japan as well. Now, this is MNC, multinational corporation, because this Toyota Motor is working in more than one countries. पाकिस्तान इंडिया चाइना जापान मे भी श्रीलंका बांग्लादेश ये सब में काम कर रही है तो अब जितना ये ग्रो करेंगे कंट्रीज आपकी जितनी भी ग्रोथ होगी तो इस कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करेगी जितना ये कंपनी ग्रो करती जाएगी उतनी उसकी वैल्यू इंप्रूव होती जाएगी उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी अब क्वेश्चन ये है कि हाउ इंटरनेशनल ट्रेड इफेक्ट इफेक्ट्स एंड एमएनसीज वैल्यू कि आपकी इंटरनेशनल ट्रेड जितनी भी बढ़ेगी आपकी एमएनसीज की वैल्यू बढ़ती जाएगी हाउ व्हेन यू हैव एन एक्सपोर्ट हायर देन इन्फ्लेशन रेट आर नेशनल इनकम क्या फर्क पड़ता है इसको थोड़ा सा सोचें आप कि हाई एक्सपोर्ट हायर देन इन्फ्लेशन रेट आर नेशनल इनकम आपके पास इन्फ्लेशन रेट ठीक है एक एग्जिस्ट करता है नेशनल इनकम है लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गई है अब मैंने क्या कहा है कि जितना ये कंपनी ग्रो करेगी उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब ये है कि जितना ये ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो उनका रेवेन्यू उतना ही ज्यादा जनरेट होगा ग्रोथ से क्या होगा आपका रेवेन्यू ज्यादा जनरेट होगा और वो रेवेन्यू आपका अगर इन्फ्लेशन से ज्यादा है तो इट मींस के कंपनी ग्रोइंग ग्रो कर रही है तो उसका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है देन कैश फ्लो में इंक्रीज विद ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रिडक्शन इन टैरिफ आर बेरियस योर कैश फ्लोस इंक्रीजेस कैश फ्लोज बेसिकली वेन वी टॉक अबाउट कैश फ्लोज इट कुड बी यूर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज यहां पर जो कैश फ्लोज की बात की जा रही है इट मीन्स यू हैव अ कैश इनफ्लोज इंक्रीजेज विद ट्रेड एग्रीमेंट्स एंड रिडक्शन इन टेरेफ आर ट्रेड अब आपकी जब ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो इसका मतलब यूर यू आर मेकिंग मोर ट्रेड

क्योंकि पीपल आर डिमांडिंग मोर प्रोडक्ट्स एक इसमें इंक्रीज आया और रिडक्शन इन टैरिफ आर ट्रेड अब आपके पास टैरिफ और बेरी, जो बैरियर्स हैं वो कम हो रहे हैं अब ये कम होंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो आपकी इंक्रीज करेगी अब इन द लास्ट रिजीम मे बी टू थाउजेंड सेवन टू थाउजेंड एट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिड्यूस्ड द एक्साइज टैक्सेस ऑन द वहीकल्स तो उससे क्या हुआ कि आपकी जो गाड़ियों की प्राइसिस थी वो कम हुई तो लोगों ने गाड़ियां ज्यादा परचेज की तो वो क्या था बेसिकली रिडक्शन इन द टेरिफ उसके ऊपर जो टैक्सेस थे वो कम हो गए जिससे प्राइसिस आपकी कम हुई प्राइसिस प्राइस 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 कम होने की वजह से आपकी कैश फ्लोज में इंक्रीज हुआ जब कैश फ्लो में इंक्रीज हुआ इसका क्या मतलब है अगेन दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद इट कि कैश फ्लोस कंपनीज के पास जब ज्यादा होता है तो इट मीन्स दे हैव अ मोर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन द अदर एरियाज एज वेल जब आपके पास कैश फ्लोज में इंक्रीज आया तो आपके पास फंड ज्यादा आ गए आपके पास फाइनेंसिंग ज्यादा आ गई अब वो फाइनेंसिंग आप फर्दर मे बी आप पाकिस्तान से अफगानिस्तान अब क्योंकि आपके पास ज्यादा इन्वेस्टमेंट मौजूद है आपके पास फाइनेंसिंग या फ्लो इनफ्लोज आपके पास ज्यादा है तो आप हो सकता है अपना प्लांट अफगानिस्तान के अंदर भी लगा दें या फिर आप प्रोडक्शन ज्यादा शुरू कर दें या फिर आप फर्दर प्रोडक्ट लाइंस एक और लॉन्च कर दें सो अब कहने का मकसद यह है कि वेन यू हैव मोर वैल्यू फॉर द कंपनी कंपनी वुड ग्रो और वह कैसे ग्रो करती है कि आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई एक्सपोर्ट ज्यादा होने से कंपनी ग्रो करती है फिर आपके पास अगर कैश फ्लोज इंक्रीज हैं कैश फ्लोज बढ़ गए हैं थ्रू ट्रेड एग्रीमेंट्स हरे ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहे हैं तो आप ट्रेड को कम करने के लिए तो नहीं ना कर रहे ट्रेड को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो उससे आपके कैश फ्लोज में इजाफा होगा और रिडक्शन इन द टेरिफ एंड बेरियर्स वो कम कर रहे हैं तो उससे फिर क्या होगा कि आपके पास कैश फ्लो ज्यादा आएगी वेन यू हैव अ मोर कैश फ्लो इट मीन यू हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट इन द अदर प्रोजेक्ट एज वेल जिससे आपकी एम की वैल्यू या मल्टानेशनल कारपोरेशन की वैल्यू इंक्रीज करेगी आई होप के नाउ यू अंडरस्टैंड कि आपके पास जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे आपकी एम की वैल्यू बढ़ती है इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल इन द एग्जामिनेशन दैट how international trade effect on mnc's value so it means ke that is positively related positive relation means that international trade has a positive relationship with the mnc's value K when we increase international trade it means the company mo, uh, grow more and with that growth the value of mnc's increases if international uh, trade decreases it means that will also रिड्यूस्ड द व वैल्यू ऑफ एम एमएनसी क्योंकि वो ग्रो नहीं कर रही है ग्रो नहीं कर रही है तो रेवेन्यू कम हो रहा है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है सो दैट इज पॉजिटिवली रिलेटेड सो आई शुड राइट हेयर देयर इज आ पॉजिटिव देयर इज आ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन international trade and value of MNCs. Main aapko isi is par focus kar raho, might be you have a question, ki how international trade effect on MNCs value. Increase in MNCs value will cause just because of international trade. लेकिन फोकस आपके इंटरनेशनल ट्रेड का कि इंटरनेशनल ट्रेड की वजह से आपकी एमएनसीज़ की वैल्यू इंक्रीज करती है या डिक्रीज करती है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है तो मैंने आपको जो डिटेल बताई है यू कैन एक्सप्लेन इट नाउ व्हाट आर बेसिकली ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आपकी ग्लोबलाइजेशन होती है कंट्रीज रिमूव बैरियर्स कंट्रीज रिड्यूस टैरिफ वो कौन कौन से बेसिकली रीजन है देर आर टू बेसिकली मैक्रो फैक्टर्स दैट द ट्रेंड टूवर्ड्स ग्रेटर ग्लोबलाइजेशन के जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन की तरफ से होते हैं दो फैक्टर्स बेसिकली होते हैं टू मैक्रो फैक्टर्स अंडरलाई द ट्रेंड टूवर्ड ग्रेटर ग्लोबलाइजेशन वन इज वी ऑलरेडी नो अबाउट इट कि आपका जो टैरिफ है ट्रेड है वो रिड्यूस करता है आपका ट्रेड और टैरिफ ये रिड्यूस करता है ये इंक्रीज करता है जितना रिडक्शन uh, आएगी बैरियर के अंदर जितना टैरिफ के अंदर रिडक्शन आएगी इतनी ही ग्लोबलाइजेशन आपकी बढ़ेगी अब मुझे पता है कि पाकिस्तान के अंदर फॉर एग्जाम्पल टैरिफ कम है बैरियर्स कम है तो इंडिया फ़ौर ही वहां पर इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा चाइना फ़ौर ही इन्वेस्ट करना शुरू कर देगा तो इसका मतलब ये है कि दो कंट्रीज के दरमियान तो uh, ख़त्म हो गया है ना बेरियर्स कम हो कम हो गए वो ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं तो दैट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन फिर हो सकता है कि श्रीलंका uh, है वो भी बेरियर्स कम कर दे नेपाल वो भी कम कर दे भूटान वो भी कम कर दे जितने भी एडजेसेंट एरियाज हैं तो वो आपकी ग्लोबलाइजेशन को एनहेंस uh, करते हैं सो डिक्लाइन इन बेरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विस एंड कैपिटल दैट हैज अकर्ड सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू ये यानी वर्ल्ड वार टू के बाद फिर आपस में कंट्रीज ने डिसाइड किया कि वी शुड रिड्यूस द सो दैट देर शुड बी अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स सर्विसेज या फिर कैपिटल जो आपके पास फंड्स हैं उसको आप विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन उसको मूव कर सके सो दिस बूस्टेड द ग्लोबलाइजेशन इन्हेंस द ग्लोबलाइजेशन सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकल चेंज ये दो आपके फैक्टर्स हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज एक आपके पास रिडक्शन इन द बैरियर्स दूसरा आपके पास टेक्निक टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हैं वी विल डिस्कस इन द दबसिक्वेंट लेक्चर फर्स्ट वी फोकस ऑन दिस एरिया अबाउट द बैरियर्स सो बेसिकली देर आर टू फैक्टर्स दैट इफेक्ट ऑन द ग्लोबलाइजेशन वन इज द बैरियर अदर इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे इनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स अब जो ही आपके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बैरियर कम होते हैं तो फिर आपकी इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा होता है जब इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा होता है तो इसका मतलब यह है कि यू आर बिकम ग्लोबलाइज जैसे इंटरनेशनल ट्रेड आकर्स वैन आर फार्म गुड्स आर सर्विस टू कंज्यूमर इन अनदर कंट्री ऑलरेडी नो अबाउट इट के इंटरनेशनल ट्रेड आपकी क्या होगी उसमें आपके पास इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है

एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट दूसरे कंट्री के अंदर कर रहा होता है मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्विजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेशन और मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओपनिंग न्यू सब्सिडरी तो उसके लिए आपको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इसीलिए इसको कहा जाता है कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को थोड़ी अमाउंट नहीं है ये बहुत बड़ी अमाउंट है तो हम इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती क्या है उसके क्या मोटिव होते हैं क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं लेकिन फिलहाल सिर्फ आपको बताने के लिए ये है कि वेन अफर्म्स इनवेस्ट रिसोर्सिज आर मच इनफ इन बिजनेस एक्टिविटीज आउटसाइड इट्स होम कंट्री अब हमने देखा था कि आपके पास जो कंपनी uh, होगी जहां पे फर्स्ट टाइम वो स्टेब्लिश हुई है दैट बिकम्स अ अ होम कंट्री व्हेन इट इट्स ऑपरेशंस मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री सो दैट कंट्री बिकम्स योर होस्ट कंट्री देन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एडवांस्ड कंट्रीज मेड अ कमिटमेंट टू लोअर बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फिर उनको जरा समझ आ गई थी कि वर्ल्ड वार टू के बाद क्योंकि टोटल ही डिस्ट्रक्शन uh, थी आफ्टर वर्ल्ड वार टू जब उन्होंने देखा कि एवरीथिंग हैज बिन फिनिश्ड देन दे थॉट दैट कि हमें अब जो है वो थोड़ा सा बेहतर सोच के साथ आगे आना चाहिए सो दैट इज वाई दे था दैट वी शुड

जो फाइट थी वो वार थी दो मेजर इकोनॉमीज़ थी आपकी जिसकी वजह से उन्होंने फिर आपके पास एक जो इतिहादी थे दूसरे नाजी थे आपके पास अब आपस में जब वो चार पांच साल तक जंग चलती रहे तो आप खुद सोचें कि उसके बाद क्या रह जाता है सो दे थॉट दैट दे शुड बी आर लोअर बैरियर्स बिटवीन द कंट्री सो दैट दे कैन ईजिली मेक द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्रीज सिंस नाइनटीन फिफ्टी एवरेज टैरिफ हैज फॉलन सिग्निफिकेंटली एंड आर नाउ एट अबाउट फोर परसेंट अब ये जनरल बता रहे हैं क्योंकि जब फिफ्टीज में थे तो आपके पास वहां पर बीस इक्कीस परसेंट तक टैक्सेस थे प्रोडक्ट्स के ऊपर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर लेकिन उन्होंने कहा कि नो वेन दे वी आर रिड्यूसिंग द बैरियर्स एंड टैरफ एंड टैक्स आर अ पार्ट ऑफ बैरियर सो दैट वी शुड ऑल्सो रिड्यूस अभी तक ऑलमोस्ट ये चार से पांच परसेंट तक चल रहे हैं कंट्रीज हैव ऑल्सो बीन ओपनिंग मार्केट्स टू एफ अब कंट्रीज कह रहे हैं कि हमें अब पाकिस्तान में भी अक्सर आप टीवी चैनल्स पर सुनते होंगे कि देर इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान सो वो इन्वेस्ट क्या है बेसिकली फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कि यहाँ पर आप आके अपनी कंपनीज इस्टेब्लिश करें यहाँ पर लोगों को जॉब्स मिलेंगी और यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी मौजूद है यहाँ पर आपकी प्रोडक्शन की प्रोडक्शन होगी तो लोग आपकी प्रोडक्ट्स को परचेज uh, करेंगे तो वो इस चीज के बारे में कह रहे हैं कि कंट्री हैव आल्सो ओपन देयर मार्केट्स फॉर एफ दिस इज बेसिकली अ ट्रेंड विच हैज बीन शोन फ्रॉम नाइनटीन थर्टीज टू टू यहां पर 2005 तक का डाटा है आप खुद इसका कंपैरिजन करके देख लें कि व्हाट इज बेसिकली इन एवरेज टैरिफ रेट्स ऑन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स एज परसेंटेज ऑफ वैल्यू अब यहां पर देखें कि फ्रांस इट हैड 21% परसेंट इन 1913 कि आपने अगर आ, कोई प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है तो आपके पास जो टेरिफ रेट्स थे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के वो 21% परसेंट थे फिर 1950s में आपके पास कुछ टाइम गुजरा 40 इयर्स का तो दे थॉट दैट इट शुड बी रिड्यूस्ड अप अपटीन परसेंट डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कि आप इसको थोड़ा सा कम कर देना चाहिए नाउ आफ्टर ऑलमोस्ट 40 इयर्स देयर इज अ ह्यूज डिक्लाइन अब आप खुद देखें वो बात भी ठीक होगी वर्ल्ड वार टू के बाद की देयर वाज अ डिक, डिक्लाइन इन द दीरियर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कि आपके 18 परसेंट से डायरेक्ट 5.9 परसेंट पे टैरिफ्स आ गए तो जिसकी वजह से आपकी ग्लोबलाइजेशन बढ़ी और आपके पास टाइटल क्या है डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स तो यहां पर वो जो टैरिफ थे उन्होंने वो रिड्यूस किए कि कहाँ आपके पास 18% परसेंट और कहां आपके पास 5.9% परसेंट देन इन 2005 फर्दर दे रिड्यूस्ड उन्होंने कुछ और कम कर दिए ताकि इन्वेस्टमेंट फ्रीली हो ट्रेड फ्रीली हो सके जर्मनी का आप देखें कि ट्वेंटी फिर उन्होंने फिफ्टीज में इंक्रीज किया उसको दैट रीच्ड अप टू ट्वेंटी सिक्स परसेंट लेकिन 90s में अगेन क्योंकि फ्रांस एंड जर्मनी देवर मूविंग पैरल एक एक साथ चल रहे थे तो नाउ वी हैव अ फाइव पॉइंट नाइन परसेंट अब यहां पर क्या आ रहा है कि आपके पास वो जो एक फ्री ट्रेड का सिस्टम चल रहा था वो यहां पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया नाइनटीन में अब यहां पर देखें कि फाइव 3.9% फिर आपका 2005 में आ गया फिर इटली में आपके पास पहले 18% था, then the, it, it, it was increases up to 25%, अगेन अब यहां पर ये क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज तो दे लेवल अगेन दे हैव ऑलमोस्ट सेम लेवल क्योंकि 2005 में फिर आपके पास यहाँ पे यूरोपीय यूनियन का कॉन्सेप्ट भी आ गया था यूरो का कॉन्सेप्ट भी आ गया था तो यहां पे उन्होंने कॉमन लेजिस्लेशन भी कर लिया हुआ था वो कॉमन लेजिस्लेशन के रिजल्ट में आपके पास ये कॉमन वैल्यूज आ रही हैं देन जापान दे हैड थर्टी परसेंट एंड फाइनली इन नाइनटीन नाइनटीज इट वॉज फाइव पॉइंट थ्री परसेंट इट मीनस दैट इट वॉज ऑल्सो लोअर फ्रॉम द अदर यूरोपियन कंट्रीज लेकिन उसके बाद फिर दे थॉट दैट के इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज अवर इंटरनेशनलाइजेशन वी शुड ऑल्सो रिड्यूस अवर फर्दर टैरिफ तो 5.3 परसेंट से वो 2.3 परसेंट पे आ गए अब यहां पे फर्क देखें कि कितना फर्क है नाउ दे हैव अ लेस देन यूरोपियन कंट्रीज जापान हैज अ लेस टैरिफ फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज उसके बाद आपके पास हॉलैंड यहां पर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज दिस इज ऑल्सो यूरोपियन कंट्री सो दे हैव अ कॉमन लेजिस्लेशन So that is why they are using the same thing. Sweden, 20%. Then, in 1950s, 9%. 1990, 4.4%. And then, again, because this is a European country, so that is why they should have a common law. So they they have almost same figures. Great Britain, in 50s, it was 23%. Then, again. यूरोपियन कंट्री दे हैव ऑलमोस्ट सेम यूनाइटेड स्टेट्स इट वॉज फोर्टी फोर परसेंट इन नाइनटीन थर्टीन इट वॉज शार्पली डिक्लाइन इन नाइनटीन फिफ्टीज देन नाइनटीन नाइनटी इट वॉज फोर पॉइंट एट परसेंट एंड इट इज ऑल्सो रिड्यूस्ड इन टू थाउजेंड फाइव एज वेल नाउ अब जहां पर आप देखें आपको एक फर्क नजर आएगा आपको एक कंपिटिशन नजर आएगा वो कंपटीशन क्या है बिटवीन यूएस यूरोपीय यूनियन एंड जापान अब जापान इज कंसीडर्ड द बेस्ट कंट्री फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स तो इसलिए उन्होंने देखा कि फर्क कितना रखा है कि 2.3 परसेंट सो दैट के, so के देयर प्रोडक्ट शुड बी इज़ीली एक्सेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड अब देखें कि आपके पास जापान की कितनी प्रोडक्ट्स हैं आपके पास होम अप्लाइंस जापान की हैं गाड़ियां आपके पास जापान की हैं तो उन्होंने एक कंपटीशन स्टार्ट कर दिया बाकी कंट्रीज के साथ यूरोपीय यूनियन अब यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज आपके पास फ्रांस जर्मनी इटली है स्वीडन है हॉलैंड है दे हैव ऑलमोस्ट कॉमन टैक्स लॉस फिर यूएस का यूरोपीय यूनियन से भी कम है 3.2 परसेंट और इससे भी कम किसके पास है जापान के पास तो यहां पर अब कंपटीशन आ गया कि इनकी कंपनीज दूसरे कंट्रीज के अंदर जाके काम करें अपनी प्रोडक्ट्स दूसरे कंट्रीज के अंदर सेल आउट करें नाउ डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स में लोअर बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीन्स वो क्या मतलब है इसका दैट फर्म्स कैन व्यू द वर्ल्ड रादर देन अ सिंगल कंट्री एज देयर मार्केट अब लोअर बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ वो क्या है कि फर्म्स दैट कैन व्यू द वर्ल्ड राधर देन अ सिंगल कंट्री के उस कंट्री के अंदर कितना उस कंट्री के अंदर कितना अब यहां पर आप देखें कि सबका ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना कि 2.3 परसेंट 3.4 परसेंट एंड 3.9 परसेंट ऑलमोस्ट सिमिलर चल रहा है देन अ फर्म्स कैन बेस प्रोडक्शन इन द ऑप्टीमल लोकेशन फॉर दैट एक्टिविटी अब वो कहता है कि यहां पर अब कंट्री बेस आ गया कि आपकी फर्म्स की लोकेशन

टैरिफ कम करने से क्या फायदा हुआ कि वहां पर इन्वेस्टमेंट हुई लोगों को जॉब्स मिली उनका रॉ मटेरियल यूज हुआ उनकी लैंड यूज हुई अब वहां पर आ, उनके लिए अलग से डेवलपमेंट हुई कंपनीज के लिए क्या हुआ कि कंपनीज क्योंकि अब अपने ही कंट्री के अंदर सेच्येट uh, हो चुकी थी वहां पर कंपटीशन बहुत ज्यादा था तो उन्होंने इमर्ज किया और ऑप्टिकल लोकेशन की तरफ मूव किया उन्होंने बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स आप इन्वेस्ट करें चाइना के अंदर मतलब डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज्यादा के अंदर हो रही है वो किस वजह से हो रही है जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ लेक्चर नंबर फाइव इन विच वी डिस्कस्ड आई ट्राई टू मेक अ कनेक्शन ऑफ अवर प्रीवियस लेक्चर लेक्चर नंबर फोर एंड फाइव इसीलिए मैंने उसका ओवरव्यू इकट्ठा कर दिया जो आपको मैंने जो बताया था ना कि वट वट आर बेसिकली द रीजन ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या वजूहत हो सकती हैं दो इकोनॉमिक फैक्टर्स थे एक इकोनॉमिक फैक्टर आपको मैंने बताया है कि बैरियर्स uh, का था और दूसरा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का टेक्नोलॉजिकल चेंजेस का हम लेक्चर नंबर सिक्स में कवर करेंगे लेकिन यहां तक हमने जो ट्रेड बैरियर्स था डिक्लाइनिंग बैरियर्स था उसके ऊपर हमने फोकस किया है सो आई जस्ट गिव एन ओवरव्यू कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ अवर लेक्चर नंबर फोर एंड फाइव इसमें हमने ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा व्हाट इज बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या होती है कि वेन कंट्रीज फॉल देयर बाउंड्रीज सो ओपन टू एवरी कंट्री टू इन्वेस्ट इन एनी अदर कंट्री विदाउट बैरियर इसमें हमने दो जो पढ़ी थी फैसेट्स पढ़े थे दैट वॉज ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स काफी डिटेल में हमने पढ़ा है सो वी डोंट नीड टू गो इन द डिटेल्स एंड ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन So, do, these were the two things which are taken into account of globalization. Then for these markets and production, there are also an emergence of global institution. These global institutions are your uh, international monetary funds, IMF, in which we have read relevant Pakistan. Then we have seen a World Bank, World Trade Organization. Predecessor of GATT, General ex, uh, Agreement on Trade and Tariff, International Financial Corporations. Then International Development Association, Bank for International Settlement, and then finally we have seen some regional development agencies. Then uh, in detail we have gone through how international trade effect on and MNC's value, and we have seen that there is a positive relationship between international trade and MNC's value. If your international trade increases, MNC's value increases. If international trade decreases, MNC's value decreases. Then we have uh, drivers of globalization. We have seen basically two drivers of globalization. What of the reasons is uh, globalization mein enhancement aati hai. So, one was uh, declining barriers of trade and investment, the other is technological changes. So, we have seen in detail. Mein is wakt, uh, डिक्लाइनिंग बैरियर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को पड़ा था तो इनशाला इन माई लेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल चेंज सो अपू दैट आई होप यू आर गेटिंग मोर फेमिलियर अबाउट द इंटरनेशनल बिजनेस तो उसके बाद फिर हम फर्दर अपने जो इनडेप uh, टॉपिक्स topic, हैं उसको डिस्कस करेंगे सो अप टू दैट थैंक यू वेरी मच एंड एट द एंड आई मस्ट से कि आप इसको रिपीट करें ट्राई टू अंडरस्टैंड इट क्योंकि इसमें कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थोरेटिकल परस्पेक्टिव बताया गया और कुछ आपको एग्जाम्पल्स दी गई है कि कैसे उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया वो आपके ट्रेड बैरियर्स में आपके पास टैरिफ बेसिकली होता है कि जो आपका 1913 से स्टार्ट हुआ 50s में कितना था और 2005 के बाद क्या चल रहा है सो so ये आपकी सारी की सारी थरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू मेमोराइज And uh, thank you very much. Take care, and Allah Hafiz.